अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर कि अगर एग्जामिनेशन 15 जून से 20 जून को होगा तो यहाँ पर आपको क्या नोटिफिकेशन उसकी रिगार्डिंग दी गई हैं, और अगर नहीं होगा एग्ज़ामिनेशन तो कहाँ पर ये अपडेट दिया गया है कि एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। ये जो वेबसाइट आपको आप इस समय देख रहे हैं, ये वेबसाइट है संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। जो ये जो संस्था है ना, वो संस्था है जो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, परीक्षा कराती है, उस पर रिजल्ट देती है और काउंसलिंग करवा करके आपको जो है गवर्नमेंट या प्राइवेट या एडेड कॉलेज में सीट अलॉट कराती है। ये वही संस्था है। इसका जो वेबसाइट है वो है gcup.nic.in, ये इसका साइट है, ठीक है। तो gcup.nic.in सर्च कर कर आप इस वेबसाइट के बारे में जान सकते हैं, इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक आपको दिया गया चीज़ जो है इंफॉर्मेशन ब्रोकर 2021, या फिर हिंदी में कहेंगे तो इसी चीज़ को विवरण पुस्तिका 2021। चलिए, मैक्सिमम लोग हिंदी समझते हैं तो मैं यहाँ से हिंदी वाला डाउनलोड कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ। इसको आपके सामने ही डाउनलोड करके मैं ओपन करूँगा और इसमें फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें दी गई होंगी। तो यहाँ पर आपके सामने ये PDF ओपन हो रहा है और लगभग ओपन हो गया है, और यहाँ पर देखिए जो डेट आपको दिखाया गया है 15/6/2021, यानी कि आपका जून की बात कही जा रही है, 15 जून से 20 जून तक। यहाँ देखिए बीच में जो दिया गया है परीक्षा तिथि, परीक्षा कार्यक्रम, इसमें क्या कह रहा है कि परीक्षा दिवस एवं तिथि दिनांक 15/6/2021 से 20/6/2021 तक दिखाया जा रहा है एग्जामिनेशन डेट। तो ठीक है, बच्चे भी सही कह रहे हैं अपने स्थान पे, अपने जो जगह पर उनको जो जानकारी है एकदम सही बात कह रहे हैं कि 15 जून से जो है 20 जून तक एग्जामिनेशन डेट दिखा रहा है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को ये भी जानना ज़रूरी है कि ये नोटिस कब का है और ये इंफॉर्मेशन ब्रोकर कब का है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जान लीजिए, डियर स्टूडेंट्स ये जान लीजिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रोकर दिया गया है जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है, ये उसी दिन यहाँ पर अपलोड किया जाता है वेबसाइट पर जिस दिन आपका फॉर्म बैगिन होता है, फॉर्म को जो है फिल करने के लिए, और इसको नहीं बदला जाता है। क्योंकि इस ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रोकर है इसमें आपका स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपका जो 2021 का एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड सारी जानकारी होती है। इसमें स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपका जो है एग्जामिनेशन डेट से रिलेटेड क्वायरीज नहीं होती हैं इसमें आपका। इसके अलावा आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना है, आपकी काउंसलिंग कैसी होगी, आपका जितने कितने कॉलेज हैं आपके स्टेट में, ठीक है, गवर्नमेंट कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्रोकर में दी जाती है। और कोई भी अपडेट होता है तो इम्पॉर्टेंट नोटिस वाले सेक्शन में दे दिया जाता है और वहाँ पर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहीं पर आते हैं और सीधे इम्पॉर्टेंट नोटिस वाले सेक्शन में देख लेते हैं, जहाँ पर मैं बार बार आपको यही अपडेट दे रहा हूँ। बार बार जितने भी मैं बार बार इसलिए यहाँ पर देखिए, मेरा कोई ये जरूरी मतलब कि ये वीडियो मुझे बार बार बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मेरे पास क्वायरीज आ रही हैं हर बार। हर बच्चे का बस यही एक पहला क्वेश्चन रह रहा है कि सर एग्जामिनेशन कब होंगे। तो भाई देखो यार, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर खुद से देख लीजिए, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी कंफर्मेशन अभी नहीं है। 15 जून को बोला जा रहा है कि लास्ट डेट है आपके फॉर्म भरने का। आप खुद सोचिए, जिस दिन फॉर्म भरने का लास्ट डेट हो रहा है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट एंड हो रही, मतलब कि एंड हो रही है 15 जून को, तो उस दिन एग्जामिनेशन कैसे हो सकता है? आपका फॉर्म भरने के बाद तमाम तरह के काम है, ठीक है, आपका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आपका जो है फॉर्म में चेक किया जाएगा क्या क्या गलती है, यानी कि आपका जो भी गलती होगा उसको सही किया जाएगा, यानी कि करेक्शन किया जाएगा, ठीक है, करेक्शन का डेट आएगा अभी। करेक्शन के बाद आपके सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे, ठीक है, सेंटर अलॉट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड निकाला जाएगा,
ठीक है, तो सेंटर जब अलॉट हो जाएगा उसके बाद आपके जितने भी सेंटर होंगे वो सेंटर वगैरह चॉइस किए जाएंगे और उसके बाद एडमिट कार्ड जो है अलॉट किया जाएगा। आपके सभी कोविड 19 को लेकर के जितने भी निर्देशन हैं उनको तैयार किया जाएगा। तो मतलब कहने का बहुत बड़ा जो ये प्रोसेस है बहुत बड़ा है। तो इसमें अगर कोविड 19 की स्थिति सुधरती हुई नज़र आ रही है तब भी ये मान के चलिए कि जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आपके जुलाई लास्ट में यानी कि एंड ऑफ जुलाई आपके के जुलाई के एंड में एग्ज़ामिनेशन होने के चांसेस हैं या फिर अगस्त स्टार्टिंग में आपके एग्ज़ामिनेशन हो जाएंगे अगर कोविड 19 का जो आपका कहर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, अनलॉकिंग प्रक्रिया ऐसे ही कंटिन्यू रहती है और पूर्ण रूप से अनलॉक हो जाता है, स्कूल कॉलेजेस एटलीस्ट कॉलेज खोलने का अगर आदेश मिल जाता है तो उसके बाद आपका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा, आपका एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन ले लिया जाएगा। ठीक है, सभी स्टेट्स की यही हालात हैं। लॉकडाउन जैसे ही क्लियर होगा, लॉकडाउन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा उसके बाद आपके फॉर्म वगैरह फिल होने लगेंगे, एग्ज़ामिनेशन होने लगेंगे और सारी चीज़ें जो हैं उसके बाद जितने भी प्रोसेस हैं आपके एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड, आपके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सबको कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो ये सभी जानकारी आपके एग्ज़ामिनेशन डेट से रिलेटेड थी। तो माई डियर स्टूडेंट, आप सभी को अब मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें एग्ज़ामिनेशन डेट को लेकर के क्लियर होंगी। और अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, पेड कोर्स जिसकी फ़ीस मात्र ₹150 है, इसमें आपको कंप्लीट फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स जो है आपको पढ़ाया जाएगा। टीचमेंट एप्लीकेशन पर अगर आप डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप हमारी वेबसाइट टीचमेंट की वेबसाइट पर जा करके हमारा डेमो क्लास ले सकते हैं, ठीक है। और डेमो क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मात्र ₹150 का पेमेंट करके एक QR कोड आप हमको व्हाट्सअप करेंगे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है, जो कि आपका है 9076929784, ठीक है, 784 ये हमारा WhatsApp नंबर है। इस WhatsApp नंबर पे आप हमको WhatsApp करेंगे और सीधे कहेंगे कि हमें पेमेंट के डिटेल दे दीजिए। क्या दे दीजिए? पेमेंट्स के डिटेल दे दीजिए। तो वहाँ पे हम आपको पेमेंट्स के डिटेल दे देंगे, आप ₹150 का पेमेंट कर दीजिएगा और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको उस एप्लीकेशन पे ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, और इसके बाद से आप पेड क्लासेस कर पाएंगे। स्टूडेंट्स मात्र ₹150 पे करके आप पूरा कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलेगा, मॉक टेस्ट भी होगा, ये सारी सुविधा आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।